स्वास्थ्य, इसकी बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। जहां पर सरकार ढेरों कार्यक्रम चलाती है, पोषण अभियान से लेकर बाकी तक, फिट इंडिया कैंपेन से लेकर खेलो इंडिया कैंपेन तक, वहीं योग, कहीं आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती। बड़े खेल मैदान की नहीं, किसी इक्विपमेंट की नहीं, आपको तो केवल एक मैट चाहिए, एक चद्दर चाहिए, जिसके ऊपर घर हो या किसी लॉन में आप योग कर सकते हैं। शाला में प्रधानमंत्री जी का दौरा खत्म हुआ, जब वापिस जा रहा था, बहुत सारे लोग उनके कार्यालय के भी उसी साइड में वापिस जा रहे थे। अलग अलग कोई अपनी इनहेल एक्सहेल करने की ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहा है। तो सब अगर आज आप ट्रेन में भी जाएंगे, हवाई जहाज में जाएंगे और अलग अलग समय पर आप देखेंगे, लोग संकोच नहीं करते कि जहां पर अवसर मिलता है समय के अनुसार वो अपने व्यायाम करने से पीछे नहीं हटते। दुनिया भर के देशों में भी देखा गया, क्योंकि शॉपिंग मॉल था तो वहां पर भी योगा का केंद्र बन गए। यही नहीं, दुनिया भर में तो अलग अलग स्थान तय कर दिए गए जहां पर योग करवाई जाती है। मुझे लगता है भारत में तो हुआ है, भारत से भी ज्यादा तेजी के साथ दुनिया भर के देशों में योग के प्रति जागरूकता भी बढ़ी है, इसको अपनाने का काम भी किया है। अभी शायद 20-30 मिनट में ही हमें अपना फिटनेस लेवल भी पता चल गया हो, और एक कहीं ना कहीं एहसास हुआ होगा कि क्यों योग करना जरूरी है। टीवी पे देखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन जब हम स्वयं करना शुरू करते हैं, अलग अलग क्रियाओं को करते हुए, तो अनुभव होता है कि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, अभ्यास बहुत कुछ बाकी है। और मुझे पूर्ण विश्वास है आपका अभ्यास और आपके प्रयास योग के प्रति जारी रहेंगे। ना केवल 21 जून को ही योग करेंगे, बल्कि 365 दिन में से जितने ज्यादा से ज्यादा दिन आप योग कर सकें, अपने आप को स्वस्थ रखें, ताकि आपके साथ साथ समाज और देश भी स्वस्थ रहे। मंडल के सम्मान्य अध्यक्ष शर्मा वीरेंद्र जी, चुने हुए सचिव मान्य प्रतिनिधि, स्थानीय ग्राम पंचायत के प्रधान और उनके सचिव, चुने हुए सम्मान्य सदस्य, यहाँ पर उपस्थित सभी प्रिय भाइयों बहनों और मीडिया से आए हुए प्रतिनिधियों, सैमसन नसीर जी, आज शानदार कार्यक्रम का आयोजन भी किया है। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सब इतने दूर दूर से आकर पैलेस में आपने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। एक तरह से लगता है कि इस पूरे जिस तरह स्थान में आपने जान फूंक दी है, एक भव्य आयोजन यहां पर हुआ है। श्री श्री रविशंकर जी की टीम की ओर से भी आज जो योग का आयोजन किया गया, मैं उनके भी सभी सदस्यों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 2014 में योग के महत्व को बताया, दुनिया को योग को अपनाने का अपील की, और प्रसन्नता इस बात की है कि दुनिया के सभी देशों आम सहमति से योग दिवस मनाने के 21 जून को माना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि पहली बार प्रधानमंत्री जी यूनाइटेड नेशंस गए और 21 जून को आज केवल भारत नहीं दुनिया के सारे देश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं, यह हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है।